देखो प्रिंस, तुम मम्मी जी को कैफे से बाहर निकालो। क्या प्रॉब्लम है? अरे तुम मम्मी जी की एज देखो, वैसे भी हमारा कैफे यंग कपल्स के लिए है। अब वो कैफे में आएंगे, ऐसे बूढ़े फेसेस देखेंगे, क्या इंप्रेशन पड़ेगा उन लोगों पे? हमें कैफे की वाइब्स भी मेंटेन करके रखनी है, जो मम्मी जी के यहाँ रहते बिल्कुल नहीं होने वाली। शिवानी एक बात हमेशा याद रखना, जो छोटा सा ढाबा था ना, आज माँ की वजह से इतना बड़ा कैफे बना हुआ है। और हाँ, और मेन्यू उठा के देख लो, आज भी माँ के हाथ का खाना बेस्ट सेलर है। यार प्रिंस, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? मम्मी जी की सारी रेसिपीज मुझे पता है, हम कोई ढंग का और अच्छा कुक रख लेंगे। देखो तुम मम्मी जी से बात कर रहे हो या मैं करूँ? देखिए मम्मी जी, अब आप घर संभालिए, मैं और प्रिंस ये कैफे संभाल लेंगे। लेकिन बेटा, मैं तो पूरे दिन किचन में ही काम करती हूँ और किसी के सामने भी नहीं आती। मम्मी जी, मैंने डिसाइड कर लिया है, आप घर जाइए ना प्लीज। शिवानी तुम पागल हो गई हो क्या? बेटा कोई बात नहीं, तू बहू पे गुस्सा मत हो, सही तो कह रही है बहू, मैं घर संभाल लूंगी, तुम दोनों मिलके कैफे संभाल लेना। वैसे भी मेरी उम्र तो हो ही गई है और खड़े खड़े घुटनों में भी दर्द हो जाता है। देखा, अब तो मम्मी जी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? ठीक है, जिसको जो करना है करो। ठीक है मम्मी जी, आप ये एप्रन उतारिए और घर के लिए निकल जाइए। यस सर। कैसा खाना देते हो तुम अपने कस्टमर को? तो कौड़ी का खाना नहीं है। मुझे तो लगता है ना, इस कैफे में आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। सर सर सुनिए सर, अरे क्या हुआ, ये ऑर्डर क्यों वापस लेके जा रहे हो? मैम ये ऑर्डर कस्टमर ने वापस कर दिया, और यही नहीं मैम, ऐसा सुबह से दो तीन बार हो चुका है, अब तो कोई कस्टमर भी नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। कैसा खाना देते हो तुम अपने कस्टमर को? तो कौड़ी का खाना नहीं है। मुझे तो लगता है ना, इस कैफे में आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अरे क्या हुआ, ये ऑर्डर क्यों वापस लेके जा रहे हो? मैम ये ऑर्डर कस्टमर ने वापस कर दिया, और यही नहीं मैम, ऐसा सुबह से दो तीन बार हो चुका है, अब तो कोई कस्टमर भी नहीं आ रहा। अरे तुम मम्मी जी की एज देखो, वैसे भी हमारा कैफे यंग कपल्स के लिए है। अब वो कैफे में आएंगे, ऐसे बूढ़े फेसेस देखेंगे, क्या इंप्रेशन पड़ेगा उन लोगों पे? हमें कैफे की वाइब्स भी मेंटेन करके रखनी है, जो मम्मी जी के यहाँ रहते बिल्कुल नहीं होने वाली। दिन ब दिन लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं, और अब तो कस्टमर ने आना भी बंद कर दिया है। यार मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा है, अगर यही सब कुछ चलता रहा तो हमें कैफे बंद करना पड़ेगा। ये लो तुम दोनों के लिए खाने के लिए कुछ। क्या हुआ, तुम दोनों इतने परेशान क्यों हो? वो एक्चुअली मम्मी जी, जब से आप गई हैं तब से कैफे लॉस में चल रहा है, कोई भी कस्टमर टिक ही नहीं रहा है यहाँ पे। यहाँ तक कि हम लोगों ने आपकी सारी रेसिपीज भी फॉलो करी हैं, पर कोई भी शेफ आप जैसा कुक ही नहीं कर पा रहा है। बेटा रेसिपीज तो हजार ले आओगी, लेकिन जिस प्यार से मैं खाना बनाती हूँ ना, वो कहाँ से लाओगी? मैंने ना इनको कभी अपना कस्टमर नहीं समझा, हमेशा अपने बच्चे की तरह प्यार से खाना खिलाया है। तुम्हें ना हजारों शेफ मिल जाएंगे और रेसिपी भी बहुत मिल जाएगी, लेकिन माँ के हाथ का प्यार कहाँ से लाओगे? आप सही कह रहे हैं मम्मी जी, मैंने आपको हमेशा जज किया है, कभी आपकी एज को लेके तो कभी आपके लुक्स को लेके, यहाँ तक कि मैंने आपकी रेसिपीज तक पे सवाल उठा दिया, जबकि मुझे अब समझ आ रहा है कि एक्चुअल वैल्यू आपके हाथ के खानों में थी। आई एम सॉरी मम्मी जी, आप प्लीज़ कैफे में वापस आ जाइए। बेटा अगर तुम भी खाने को प्यार से बनाओगी ना, तो बिल्कुल वही टेस्ट आएगा, और वैसे भी मैं तुम लोगों को इस मुश्किल की घड़ी में छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी, मैं हमेशा तुम दोनों का साथ दूंगी। और हाँ, हम सब ना अब एक शुरू से शुरुआत करेंगे, ठीक है?